इस घर को इस तरह से खाली देखकर प्रिया का दिमाग चकरा गया। उसने मन ही मन कहा, ये कैसे हो सकता है? मिस्टर सिंह एंड मिसेस सिंह मेरी आंखों के सामने इस घर में घुसे हैं और मैंने अपने कानों से ये बहुत से लोगों को बातचीत करते हुए सुना, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। तभी प्रिया को ध्यान आया कि कहीं इस घर में कोई बेसमेंट तो नहीं है। उसने एक बार फिर से पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी ली। उसने पाया कि चार में से दो कमरे ऐसे थे जिनमें कोई फर्नीचर नहीं था, बस फर्श पर एक कारपेट बिछा हुआ था। प्रिया ने सोचा, जरूर इन कारपेट के नीचे कोई छुपा हुआ रास्ता होगा बेसमेंट में जाने का। उसने बारी बारी से दोनों कमरों का कारपेट हटाकर देखा, लेकिन वहां ऐसा कोई खुफिया रास्ता नहीं था। तीसरे कमरे में चार पांच चेयर, एक टेबल और एक बड़ी सी बुकशेल्फ रखी हुई थी। प्रिया ने बुकशेल्फ में रखी किताबों को हटाकर देखा, फिर उसने बुकशेल्फ को भी उसी जगह से खिसकाया, लेकिन वहां से भी उसे कोई छुपी हुई जगह नजर नहीं आई। चौथे कमरे में एक बड़ा सा बेड और छोटा सा फर्नीचर था। इसके अलावा किचन में भी खाने पीने का सामान रखा हुआ था। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ जरूर कुछ लोग रहते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ कोई इंसान तो क्या, परिंदा तक नजर नहीं आ रहा था। प्रिया अब गहरी सोच में पड़ गई। ये तो बहुत अजीब है, यहाँ मौजूद सारे लोग अचानक गायब कहाँ हो गए? तभी प्रिया को एक हल्की सी आहट सुनाई दी। उसने चौंक कर उस तरफ देखा तो खिड़की में से किसी की झलक दिखाई दी। प्रिया को ऐसा लगा जैसे कोई औरत बाहर खिड़की के पास छुपकर खड़ी हुई है। प्रिया दबे पांव घर के पीछे वाले हिस्से से बाहर निकली और उसी वक्त उसे गलियारे में दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। प्रिया फौरन अलर्ट हो गई। उसने सोचा, कोई औरत मुझ पर नजर रखी हुई थी और मुझे इस घर से बाहर निकलता देख वो भाग रही है। ये सोचते हुए प्रिया भी तेजी से गलियारे में से होते हुए बाहर गली की तरफ भागी। उसका अंदाजा एकदम सही था। उसे अंधेरी गली में एक औरत दौड़ते हुए दिखाई दी। प्रिया जोर से चिल्लाई, रुको! लेकिन वो औरत पलक झपकते ही दूसरी अंधेरी गली में घुसकर प्रिया की नजरों से ओझल हो गई। तभी प्रिया को अपने पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी तेजी से दौड़ता हुआ आया और प्रिया के नजदीक से गुजरा। प्रिया उस आदमी से टकराते टकराते बची, लेकिन इस चक्कर में उसे उस आदमी का चेहरा साफ साफ नजर आ गया। उसे ऐसा लगा जैसे वो इस आदमी को जानती है, उसने इसे पहले भी कहीं देखा है। तब तक वो आदमी भी भागता हुआ उसी अंधेरी गली में घुस गया। प्रिया की समझ में कुछ नहीं आया कि आखिर ये आदमी उस औरत के पीछे इस तरह से भाग क्यों रहा था, और वो औरत भी प्रिया को देखते ही वहाँ से क्यों भाग गई? कहीं ये दोनों एक दूसरे के साथ तो नहीं है? औरत को तो प्रिया देख नहीं सकी थी, लेकिन उस आदमी का चेहरा बार बार प्रिया के दिमाग में कौंध रहा था। वो अपने दिमाग पर जोर देकर सोचने लगी, आखिर उसने इस आदमी को पहले कहाँ देखा है? उधर प्रिया की बातों ने भी इंस्पेक्टर कश्यप को एक नई सोच में डाल दिया था। वो फौरन लैंड रजिस्ट्रार के ऑफिस में गया और सीधा रजिस्ट्रार से जाकर मिला। उसने भी उससे वही सवाल किया जो थोड़ी देर पहले प्रिया ने किया था, श्रीनाथ की उस बंजर जमीन का पहला मालिक कौन था। रजिस्ट्रार ने कश्यप को उसी तरह गौर से देखते हुए कहा, आप अगर वाकई पुलिस के आदमी हैं तो फिर आपको तो रूल्स पता ही होंगे, हम किसी भी अनऑफिशियल की जानकारी नहीं दे सकते। कश्यप को अब मन ही मन काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसकी मजबूरी थी। एक रजिस्ट्रार के साथ वो बिना किसी ठोस वजह के कोई सख्ती नहीं कर सकता था। वो अपने गुस्से को शांत करते हुए थोड़ा सीरियस लहजे में बोला, देखिए उस जमीन पर एक बड़ा हादसा हो चुका है, उसे हमने सील भी किया था, तो उसी सिलसिले में ये सब पूछताछ कर रहा हूँ। लेकिन रजिस्ट्रार ने उसकी इस बात पर कोई ध्यान न देते हुए कहा, आप मेरे पास बकायदा ऑफिशियल परमिशन देकर आइए तो ही मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, और वैसे भी ये जमीन तो बहुत पुरानी है, अंग्रेजों के जमाने से इसकी ओनरशिप चली आ रही है। इसके बारे में तो आपको इंटरनेट पर या आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। कश्यप समझ गया कि यह रजिस्ट्रार वाकई बहुत सख्त आदमी है, इतनी आसानी से वो मानने वाला नहीं है, उसे कोई दूसरा ही रास्ता निकालना होगा। वो अब बिना कोई और सवाल पूछे वहां से चला गया। कश्यप के जाने के बाद फौरन रजिस्ट्रार ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल करने लगा। कॉल कनेक्ट होने के साथ ही उसने कहा,
हेलो श्रीनाथ सर जी, आज आपकी उस जमीन की डिटेल जानने के लिए कोई दो लोग आए थे। दूसरी तरफ से श्रीनाथ की आवाज आई। अच्छा, और उनमें से एक तो शायद प्रिया नाम की लड़की होगी और वो दूसरा होगा इंस्पेक्टर कश्यप। रजिस्ट्रार ने हैरानी से कहा, अरे आपको ये कैसे मालूम? श्रीनाथ ने एक ठहाका लगाते हुए कहा, क्योंकि श्रीनाथ से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। खैर, तुमने उनसे क्या कहा? रजिस्ट्रार ने कहा, मैंने लड़की को तो कुछ नहीं बताया, लेकिन पुलिस वाले को आर्कियोलॉजी वालों से मिलने को कहा है। मगर आप चिंता मत करिए, उसे वहां से भी कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इस पर श्रीनाथ ने थोड़ा सीरियस लहजे में कहा, नहीं, वो पुलिस वाला बहुत जिद्दी है, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम एक काम करो, उस जमीन के पुराने सारे रिकॉर्ड्स ऑफिस से गायब करवा दो। अब हम नए सिरे से उस जमीन की एक नई कहानी लिखेंगे, और इस तरह लिखेंगे कि चाहे प्रिया हो या फिर वो इंस्पेक्टर कश्यप, दोनों को ही उस कहानी पर यकीन करना पड़ेगा। इसी के साथ श्रीनाथ ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उधर प्रिया उन अंधेरी गलियों में से निकलकर उस तरफ बढ़ रही थी जहां उसने अपनी कार पार्क की हुई थी। वो अभी भी उसी रहस्यमयी औरत के बारे में सोच रही थी जो उन अंधियारी गलियों में से भागकर कहीं गुम हो गई थी, और वो जाना पहचाना सा आदमी जो उस औरत के पीछे भागा था। लेकिन इसके अलावा प्रिया के दिमाग में जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि आखिर आदित्य के पेरेंट्स उस घर में घुसकर ऐसे कहां गायब हो गए। लेकिन प्रिया के पास इनमें से किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने अपनी कार स्टार्ट की और फिर एक बार पुरानी ग्रेवयार्ड की तरफ चल दी, इस उम्मीद से कि आज वो डोमेलो से मिलकर अपने सारे सवालों के जवाब हासिल कर लेगी, खासकर श्रीनाथ और अपने डैडी को लेकर। लेकिन प्रिया अभी थोड़ी ही दूर चली होगी कि अचानक उसके फोन की नोटिफिकेशन टोन बज उठी। प्रिया ने फौरन अपनी मैसेज टोन पर ध्यान दिया, क्योंकि ये मैसेज ईला मैम का था। प्रिया ने फौरन अपनी कार रोकी और मैसेज पढ़ने लगी। उसमें चार वर्ड्स लिखे हुए थे, टेक केयर ऑफ पायल। प्रिया ये मैसेज देखकर चौंक गई। उसने सोचा, ईला मैम ने मुझे ऐसा मैसेज क्यों किया, वो भी पायल को लेकर। प्रिया ने फौरन ईला मैम को कॉल बैक किया, लेकिन ईला का फोन बंद आ रहा था। प्रिया की हैरानी अब और भी बढ़ गई। ईला मैम की ये हरकत अब उसे और भी रहस्यमयी लग रही थी। उसका शक और भी गहरा होता जा रहा था। जब ईला मैम से मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी तो मैंने उन्हें ये तो बताया था कि पायल की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन ईला मैम ने उसके लिए आज मुझे ये मैसेज क्यों किया? तभी प्रिया के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी, ईला मैम तो श्रीनाथ से मिली हुई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये श्रीनाथ की कोई नई चाल हो और ईला मैम मुझे फंसाने में श्रीनाथ का साथ दे रही हो और इसीलिए उन्होंने अपना फोन बंद कर लिया हो। प्रिया का दिल अब तेजी से धड़कने लगा। वो ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि अब ऐसी सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए, लेकिन बात पायल को लेकर थी तो प्रिया इस मैसेज को अवॉइड नहीं करना चाहती थी। उसने अब पायल का नंबर डायल किया, लेकिन पूरी रिंग जाने के बावजूद भी पायल ने फोन रिसीव नहीं किया। प्रिया की दिल की धड़कने और तेज हो गई। उसने फिर से पायल को कॉल किया, जिसे इस बार पायल ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हाँ प्रिया बोल। प्रिया ने फौरन पूछा, तू कैसी है पायल और इस वक्त कहाँ है? पायल ने कहा, मैं एकदम ठीक हूँ और घर पर ही हूँ। ये सुनते ही प्रिया को एक झटका लगा, क्योंकि उससे बैकग्राउंड में से लाइट म्यूजिक की आवाज सुनाई दे रही थी। इसे ये क्लियर था कि पायल साफ झूठ बोल रही है, वो इस वक्त अपने घर पर नहीं थी। लेकिन अभी प्रिया ये बात उससे पूछती उससे पहले ही पायल ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, प्रिया तू मेरी चिंता मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चल मैं तुझे थोड़ी देर बाद कॉल करूंगी। इसी के साथ पायल ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। पायल का ये एटीट्यूड देखकर प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। पायल ने कभी उसके साथ ऐसा नहीं किया था। प्रिया का अंदर का शक और भी बढ़ गया। ईला मैम का अचानक पायल को लेकर मैसेज करना और फिर पायल का ये अजीब तरह से बात करना, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मुझे हर हाल में जल्द से जल्द पायल के पास पहुंचना है, लेकिन पायल अपने घर में नहीं है, तो फिर मैं उसे कहां ढूंढूं? प्रिया अब फिर से गहरी सोच में डूब गई। उधर पायल इस वक्त अपनी उसी पुराने कॉफी हाउस द ब्लू बर्ड में बैठी हुई थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी।
बल्कि उसके साथ उसी का हम उम्र लड़का भी था। पायल ने जैसे ही प्रिया का कॉल डिस्कनेक्ट किया, वैसे ही उस लड़के ने क्यूरियस होते हुए पूछा, कोई परेशानी पायल? पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, वो बस मेरी एक फ्रेंड है प्रिया, वो मुझे लेकर कुछ ज्यादा ही टेंशन लेती है। लड़के ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये तो बहुत अच्छा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें ऐसी दोस्त मिली जो तुम्हारी इतनी चिंता करती है। लेकिन पायल ने थोड़ा रूखेपन से कहा, हाँ ठीक है, लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है निशांत, मैं ये वक्त तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। इसी के साथ पायल ने अब अपना फोन बंद कर दिया। निशांत नाम का वो लड़का पायल की इस हरकत पर बस मुस्कुरा कर रह गया। पायल ने फोन बंद करते ही कहा, अरे प्रिया ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया कि अब मैं इस रिलेशनशिप में, मेरा मतलब है किसी भी रिलेशनशिप में कोई लिमिट्स क्रॉस ना करूं। मुझे तो उसकी बात समझ नहीं आई, और वैसे भी ये तो उस मोमेंट में होने वाली बात है ना निशांत, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? निशांत ने मजाकिया अंदाज में कहा, नहीं मैं नहीं समझ रहा क्या कह रही हो तुम। निशांत के इतना कहते ही दोनों की जोर से हंसी आ गई। फिर उसने अचानक सीरियस होते हुए कहा, वैसे एक तरह से देखा जाए तो तुम्हारी फ्रेंड सही कह रही थी, तुम्हें एकदम से किसी अजनबी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। निशांत की इस बात पर पायल पहले तो एकदम से हैरान रह गई, लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूँ ये भी तुम मजाक में कह रहे हो, क्योंकि हमारे में कुछ अलग सा है। निशांत एक बार फिर से हंस पड़ा। पायल ने आगे कहा, वैसे सच कहूँ निशांत, मेरा एक रूल है कि सोशल मीडिया पर हुई बातचीत में मैं कभी भी किसी को अपना नंबर शेयर नहीं करती, लेकिन पता नहीं क्यों तुम में कोई तो बात ऐसी है जिसकी वजह से मैंने अपना ये रूल तोड़ दिया। निशांत ने अब पायल की आंखों में देखते हुए कहा, मेरा भी यही रूल है पायल, लेकिन पता नहीं तुम में ऐसी क्या खास बात थी कि तुमसे फ्रेंडशिप होने के बाद मैं खुद को रोक ही नहीं पाया और मैंने तुमसे तुम्हारा नंबर मांग लिया। पायल ने अभी कदा से मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा तो ऐसा क्या देखा तुमने मुझमें? निशांत ने कहा, पता नहीं लेकिन कुछ तो है तुम में। निशांत ने जिस तरह से पायल की आंखों में देखते हुए ये बात कही थी, उससे पायल अंदर ही अंदर थोड़ा रोमांचित होने लगी थी। कॉफी हाउस में बज रहा लाइट म्यूजिक इस माहौल को और भी ज्यादा रोमांटिक बना रहा था। तभी पायल ने खुद पर थोड़ा कंट्रोल करते हुए कहा, अच्छा वैसे तुमने हमारी इस डेट के लिए इस पुराने कॉफी हाउस को ही क्यों चुना? इस पर निशांत ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे दरअसल इसी तरह की जगह पसंद आती है जहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो और अब हम इत्मीनान से टाइम स्पेंड कर सके। ये सुनकर पायल ने कहा, अच्छी चॉइस है तुम्हारी, और पता है यहाँ पर पर्सनल केबिन्स भी हैं। पायल ने ये बात यूं ही कह दी थी, लेकिन निशांत की आंखों में अब शरारत से भरी चमक आ गई। उसने कहा, हाँ पता है मुझे, क्योंकि वहां मेरा भी एक पर्सनल केबिन है। पायल ने हैरान होते हुए पूछा, सच में? हालांकि उसकी इस हैरानी में एक छुपी हुई खुशी भी शामिल थी। तभी निशांत ने कहा, चलो फिर चलते हैं वहीं, मैं तुम्हें अपना प्राइवेट केबिन दिखाता हूँ। इसी के साथ उसने पायल का हाथ पकड़ा और फौरन कॉफी हाउस की उन सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा जहाँ बहुत सारे प्राइवेट केबिन बने हुए थे। पायल ने हिचकिचाहट के साथ कहा, अरे ये तुम क्या कर रहे हो निशांत, ये हमारी पहली डेट है और पहली डेट में ही तुम। लेकिन तब तक निशांत पायल को लेकर केबिन में एंटर हो चुका था। उसने केबिन का दरवाजा अंदर से बंद किया और पायल को अपनी बाहों में भर लिया। पायल ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, लुक निशांत मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन आज नहीं फिर कभी। निशांत समझ गया कि इसकी वजह जरूर प्रिया होगी। निशांत ने उसके करीब आकर बड़ी धीमी आवाज में उसके कान में कहा, वैसे तुम भी अपनी दोस्त प्रिया को एक झूठ बोल चुकी हो कि तुम घर पर हो, मेरे लिए एक झूठ और बोल लेना। इसी के साथ निशांत ने अपने होंठ पायल के होंठों पर रख दिए। तभी उस केबिन का दरवाजा एक झटके के साथ खुल गया। निशांत और पायल बुरी तरह से हड़बड़ा गए। उनके सामने इस वक्त प्रिया खड़ी हुई थी। पायल ने हिचकिचाते हुए कहा,
प्रिया तू यहाँ कैसे? लेकिन प्रिया ने फुर्ती से पायल का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और अपने साथ ले जाने लगी। तभी निशांत ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हो कौन तुम और मेरी गर्लफ्रेंड को ले जा कहाँ रही हो? जवाब में प्रिया ने गुस्से से गुर्राते हुए कहा, यू ब्लडी क्रूक, मैं जानती हूँ तुम्हारा असली चेहरा क्या है। इंसान के रूप में एक शैतान हो तुम, लेकिन मैं तुम्हें पायल का शिकार नहीं करने दूंगी। इसी के साथ प्रिया पायल को लेकर केबिन में से बाहर निकल गई। केबिन में खड़ा हुआ निशांत गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बड़बड़ाया, शिकार तो मैं करके रहूंगा प्रिया, और मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी।